नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक के बारे में बात करने वाले दोस्तों। इनफैक्ट आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, तो उससे हमारे हेल्थ के अंदर क्या क्या हमें फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो कभी भी ठंडा पानी नहीं पीते थे, वो या तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीते थे या थोड़ा हमेशा गुनगुना या आप कहें ल्यूकवार्म वाटर उसको सिप बाय सिप करके पीते थे, या ज्यादा ही अगर बहुत तेज गर्मी पड़ती थी तो उसे के अंदर जो है मटके का पानी यूज करते थे। तो उसके कारण दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमारे जो पूर्वज थे उनकी आप देखेंगे कि रूटीन में भी कि उनको बहुत ज्यादा बीमारियां इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस नहीं होती थी जो आजकल हमें देखने को मिलती है। तो इसका बहुत बड़ा कारण हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर जो तेजी से चेंजेस आए हैं तो उसके कारण जो हमें बहुत सी आज के टाइम में बीमारियां जो पहले सुनने को नहीं मिलती थी आजकल हमें डे टू डे लाइफ में सुनना ही बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो इसी तरह से हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत से हेल्थ टिप्स हैं जिनको अगर हम डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखें तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, या अगर बहुत सी बीमारियां हो गई है तो उनको आप तेजी से वापस इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुनगुना पानी या गर्म पानी पीने के फायदे के बारे में। देखिए अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो दोस्तों आयुर्वेद भी कहता है कि कभी भी आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा आपको नॉर्मल या थोड़ा ल्यूकवार्म गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसी तरह से आयुर्वेद कहता है कि आपको पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। अगर आप खड़े खड़े होकर पानी पीते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में अगर आप पानी पीने की आपको हैबिट है, तो आगे चल के आपको जॉइंट्स पेन की शिकायत हो सकती है। उसी तरह से दोस्तों आयुर्वेद के माने तो आयुर्वेद ये भी कहते हैं कि आप जब एक बार आपने खाना खा लिया है तो उसके बाद के अंदर लगभग आपको 45 मिनट से 60 मिनट यानी लगभग एक घंटे तक जो है वापस पानी नहीं पीना चाहिए। यानी आप जब खाना खा रहे हैं और उस टाइम जो है आप थोड़ा बहुत पानी अगर घूंट घूंट करके उस टाइम बीच में पी रहे हैं तो पी सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करेंगे जब एक बार आपने खाना खा लिया तो नेक्स्ट एटलीस्ट 60 मिनट्स के आसपास तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों एक दिन के अंदर किसी को कितना पानी पीना चाहिए अगर इस टॉपिक पे की बात करें तो एक जो हेल्दी मेल होता है, एडल्ट मेल की हम बात करें, पुरुष की बात करें, तो एक दिन में उनको लगभग 4 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल्स को एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी पीना जरूर चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगर आप सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं तो उस समय क्या फायदे मिलेंगे। देखिए सबसे अच्छा रहता है कि आप जो मॉर्निंग के अंदर उठते हैं तो उस टाइम आपको 2 कप गुनगुना जो पानी है उसको सिप बाय सिप घूंट घूंट करके जिस तरह से आप गर्म चाय या कॉफी पीते उस तरह से पीना चाहिए। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको मॉर्निंग में चाय या कॉफी पीने की आदत है तो उसको आप जो है गर्म पानी से रिप्लेस कर दें, उसकी जगह आप इसको पीना शुरू करें। इसी तरह से आप गर्म पानी दिन में भी एक बार, दोपहर में भी ले सकते हैं, आप नाइट में सोते समय भी ले सकते हैं, और अगर दिन में आपका रूटीन ऐसा है पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट सुबह आप जरूर पिए। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह के जॉइंट पेन की शिकायत नहीं है तो ऐसे के अंदर आप जो है बीच बीच में कभी कभार जो गुनगुना पानी है उसके अंदर थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं और शहद भी ऐड कर सकते हैं। और अगर जॉइंट पेन है तो आप नींबू पानी बिल्कुल नहीं पिए, क्योंकि मैंने देखा कि जिनको जॉइंट पेन रहता है अगर वो नींबू पानी पीते हैं लंबे समय तक तो उनको फिर जॉइंट पेन बढ़ने लगता है। दोस्तों अब हम बात करें कि गुनगुना पानी पीने के हमें क्या फायदे मिलने वाले। दोस्तों फायदे की बात करें तो सबसे पहली बात आप जानते हैं कि पानी जो है हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, तो जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा। उसी तरह से जो ल्यूकवार्म वाटर है ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को डिटॉक्स होना बहुत जरूरी होता है, हमारे बॉडी के सारी ऑर्गन का जो है डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी होता है। जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो नेचुरली आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स को डिटॉक्स करने में मदद करता है। दोस्तों आज के टाइम में मोटापा, ओबेसिटी बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, तो वो लोग जो कहीं ना कहीं अपने मतलब वेट से परेशान है या जिनको लगता है कि थोड़ा वेट कम करने की कोशिश करनी चाहिए, वो लोग अपनी डाइट के अंदर जो है बाकी चेंजेस तो करें ही, लेकिन उसके साथ के अंदर अगर सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ऐसे लोगों को तो मैं एडवाइस करूंगा कि उनको मॉर्निंग में 2 कप गुनगुना पानी पीना चाहिए, उसी तरह से दोपहर में भी पीने की कोशिश करें, और नाइट में भी जरूर आप जो है 2 कप गुनगुना पानी पिए, और आप देखेंगे कि विद इन ए मंथ ही जो है आपको इसके चेंजेस आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर्दियां, वो लोग जिनको सर्दियों में खास करके बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहता है, कई लोगों को जुकाम हो जाता है, खांसी होने लगती है, थ्रोट कंजेशन होने लगता है, कई लोगों को साइनस हेडेक होने लगता है, काफी लोगों में अस्थमा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो विंटर में तो ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ी जाती है, और कई लोगों को साल भर भी थोड़ा एलर्जिक जुकाम का अस्थमा बना रहता है। तो ऐसे लोग जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, नोज ब्लॉक की प्रॉब्लम है, बार बार जुकाम खांसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसे लोगों को भी जो है गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और इस तरह की जो आपको बार बार जो तकलीफ होती है आप देखेंगे इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों इसी तरह से वो लोग जिनको गठिया या गाउट की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों भी अगर गुनगुना पानी पीते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद माना गया।
दोस्तों इसी तरह से अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपका जो पाचन तंत्र है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके डाइजेशन को स्ट्रांग रखता है, आपका जो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मतलब स्ट्रेंथ देगा, आपका जो कोलोन है उसको मजबूती देगा, आपके इंटेस्टिन के मूवमेंट्स को बढ़ाता है, जिसके कारण वो लोग जिनको थोड़ा कब्जियत सी रहती है, जिनका पेट प्रॉपर आप कह सकते हो कि पेट प्रॉपरली साफ नहीं होता, आप देखेंगे उनमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसी तरह से आज के टाइम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि सर मुझे इंडाइजेशन रहता है, बदहजमी रहता है, गैस बनती है, अपच होती है, पेट में थोड़ा सा फुलावट सी रहती है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो गुनगुना पानी है वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम अगेन आज के टाइम में देखने को मिलती है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, लोगों का जो है मूड अच्छा नहीं रहता, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह का जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल जो है डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव फील्ड्स। बहुत सी चीजें जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में चेंजेस आ गए जिसके कारण आपको जो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप जो है गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके ब्रेन को एक्टिव रखेगा, आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत रखेगा, आपके मूड को अच्छा रहेगा, आपका जो स्लीप क्वालिटी है वो देखेंगे कि पहले से इंप्रूव हो गई है, और आप देखेंगे कि आपको जो चिंता डिप्रेशन से हर टाइम बना रहता था उसमें भी आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत तेजी से आपको सुधार देखने को मिल रहा है। दोस्तों अक्सर मैं मेरे वीडियोस के अंदर बीमारियां और उनके होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तो बात करता ही हूं, लेकिन कभी कभी जो है मेरी कोशिश रहती है बीच में आप लोगों के कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स लेके आऊं जिससे कि आप डे टू डे लाइफ में चेंजेस अगर आप करते हैं तो जैसा मैंने बोला कि आपको हर जगह मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, बहुत सी चीजें, बहुत सी आपके लाइफ के अंदर ऐसी चीजें होती है, बहुत से बॉडी के ऐसी चेंजेस या बहुत से छोटे मोटे शारीरिक बदलाव या बहुत सा आप लगते हैं कि बॉडी में कुछ डिजीज सा इस तरह का सिम्टम्स आ रहा है, तो आप डे टू डे लाइफ के अंदर अपनी चेंजेस करके लाइफ स्टाइल चेंजेस में भी जो है इनको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह के जो छोटे छोटे से जो हेल्थ टिप्स है उसके बारे में जानकारी मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक हेल्थी लाइफ जी सके। दोस्तों इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रावत चौधरी और यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।